गुड मॉर्निंग एवरीवन, एक बार फिर से आपके लिए आज द हिंदू का जो एडिटोरियल्स है 29/10/2022 का, ठीक है, उसका हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, इसमें देखेंगे हम लोग क्या क्या इंपॉर्टेंट न्यूज है और क्या क्या इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स हैं। ठीक है, जैसे कि हम लोग प्रत्येक दिन देखते रहते हैं, ठीक है, देखते आ रहे हैं, तो चलिए चलते हैं। देखिए, उससे पहले एक मैं बता दूँ कि इस चैनल पे जो आपको जॉब नोटिफिकेशंस मिलता था, ठीक है, वो अब इस चैनल पे नहीं मिलेंगे। ठीक है, और भी जो एसएससी का साइंटिफिक असिस्टेंट का जो एक नया बैच स्टार्ट किए थे, ये सारे चीज़ आपको मिलेंगे। एक चैनल है, ठीक है, ट्रेंडिंग कंपटीशंस करके, ठीक है, ट्रेंडिंग कंपटीशंस, ठीक है, उस पर सारे चीज़ आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो जो जो आप मतलब प्रिपरेशन कर रहे थे या जॉब नोटिफिकेशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो जिसको चाहिए था, ठीक है, तो वो आप तक ट्रेंडिंग नोटिफिकेशंस ट्रेंडिंग कंपटीशन यूट्यूब पे सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे आपको सारी चीज़ मिलेंगे, या आपको आप जाइए डिस्क्रिप्शन में, आपको इस वीडियो के लास्ट में यानी डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ से उस चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, यही था एक शॉर्ट नोटिफिकेशन आपके लिए। ठीक है, तो जैसे कि आप देखिए न्यूज पे फर्स्ट न्यूज जो है ये न्यूज, ठीक है, अभी रिसेंटली जो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर्स हैं उनके द्वारा जो फरीदाबाद है, ठीक है, तो वहाँ पे एक जो सभा है, ठीक है, वहाँ पे वो सभा को एड्रेस करते हुए उनके द्वारा ये बताया गया कि जो अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट है, ठीक है, उससे क्या हुआ ना कि जो टेरर अटैक है, ठीक है, जो आतंकवादी है उससे फाइट करने में ज़्यादा से ज़्यादा गति मिला है, ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प मिला है। ठीक है, उसको हम लोग टेरर को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में टेकल कर पाए हैं। ठीक है, तो इसी को लेकर के है कि देखिए यहाँ पे कहता है कि पुलिस शुड बी एबल टू फेस नक्सल्स। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ और बताया गया है कि जो पुलिस है, ठीक है, जो पुलिस जिस जो कि स्टेट के अंदर रहता है, ठीक है, तो उसके लिए कहा गया है कि जो पुलिस है उसको कहीं ना कहीं जो नक्सल प्रभावित एरिया है, ठीक है, जो नक्सल्स हैं उससे किस तरह से उसके सामना करें, ठीक है, उसके लिए उसे प्रिपेयर रहना चाहिए। ठीक है, तो और जो है वो क्या करता है, नक्सल्स क्या करता है, जो यूथ है, ठीक है, उसको मिसगाइड करता है, मिसलीड करता है। ठीक है, तो इस तरह से किस तरह से उसको टेकल करना चाहिए और जो यूथ है उसको एक सही लाइन पे लाना चाहिए। ठीक है, तो ताकि ताकि यूथ को, ठीक है, यूथ जो है एक सही बात पे काम करे। ठीक है, तो और भी यहाँ पे हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा बताया गया कि देखिए क्या है ना कि अभी के रिसेंटली, ठीक है, जो यूथ को और उसके बाद जो हमारे पॉपुलेशन है उसको ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेटेड करने की आवश्यकता है, क्योंकि क्या होता है ना कि बहुत सारे ऐसे फेक न्यूज, ठीक है, देखने को मिलता है, और फेक न्यूज से, ठीक है, जिसको कि उसे, ठीक है, सही इन्फॉर्मेशन नहीं मिलने के बाद कारण, ठीक है, तो वो किसी न किसी गलत एक्टिविटीज में कहीं ना कहीं वो फंस जाते हैं। ठीक है, तो इसी को लेकर के है कि हमें एजुकेट करने की आवश्यकता है। ठीक है, ताकि वो कोई भी इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई कर पाए, ठीक है, कोई भी इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई कर सकें। ठीक है, तो इसी को लेकर के है, और हम अपने जो देश है देश के विकास के लिए, ठीक है, तो एक अच्छे काम कर सकें। ठीक है, तो इसीलिए क्या है ना कि जो एक एजुकेटेड पर्सन है, ठीक है, कोई भी, ठीक है, इन्फॉर्मेशन है उसको सही से एनालिसिस कर पाएंगे। ठीक है, तो ही हमारा देश ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप कर पाएंगे। ठीक है, तो इसी को लेकर के है कि अभी COVID-19 के पीरियड में, ठीक है, बहुत सारे ऐसे इन्फॉर्मेशंस, ठीक है, जो कि फेक इन्फॉर्मेशंस थे, जिसके कारण इस तरह से फेस कर जो हमारे देश को कहीं ना कहीं प्रॉब्लम फेस करने को मिला। ठीक है, तो इसी को लेकर के है कि यहाँ पे एजुकेशन को लेकर के ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किया गया है। ठीक है, तो इसी को लेकर के ये न्यूज़ में था। ठीक है, तो अब चलिए देखते हैं, देखिए रिसेंटली क्या है ना कि और इसमें इस पेज में कोई खास इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है जो कि इंपॉर्टेंट के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो। ठीक है, तो अब चलिए चलते हैं हम लोग एडिटोरियल्स देखते हैं। ठीक है, पर्टिकुलरली आज का एडिटोरियल्स हैं, ठीक है, एडिटोरियल्स में भी एक आज अक्षर एडिटोरियल्स हैं जो कि एग्जामिनेशन परस्पेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए ये फर्स्ट न्यूज, ये फर्स्ट एडिटोरियल्स जो है, ठीक है, तो उतना कोई इम्पॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर भी इसका हम एक समरी बता देते हैं कि देखिए इसमें क्या है ना कि अभी रिसेंटली, ठीक है, ये जो है यहाँ पे थोड़ा सा वेट, ठीक
ठीक है, इसमें क्या है ना कि इस एडिटोरियल्स में कहता है कि द डेथ पेनल्टी एंड ह्यूमैनिटेरियन क्रिमिनल जस्टिस। ठीक है, अभी क्या है ना कि रिसेंटली जो सुप्रीम कोर्ट है उसका जो न्यू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है, वो बनने वाले हैं कौन, तो जो डीवाई चंद्रचूड़ हैं। ठीक है, तो उससे पहले, ठीक है, जो अभी जो है यू ललित, उदय उमेश ललित, जो 959 जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, ठीक है, तो उनके द्वारा ये बताया गया कि देखिए आने वाले, ठीक है, जो हमारे देश में, ठीक है, जो भी अभी रिसेंटली क्या होता है ना कि जो हमारे डेथ पेनल्टी है, ठीक है, जो डेथ पेनल्टी जो भी लॉ है, ठीक है, तो उसमें क्या है ना कि थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है। तो उनके द्वारा ये बताया गया कि देखिए क्या होता है ना कि हमें, ठीक है, ह्यूमैनिटी को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटेक्शंस करना चाहिए। ठीक है, तो देखिए क्या है ना कि डेथ पेनल्टी एक लास्ट ऑप्शन है, ठीक है, देश में, और इस पर बहुत काफ़ी गहन विचार करना चाहिए। क्योंकि क्या होता है ना कि देखिए किसी को लाइफ देना पॉसिबल नहीं है, ठीक है, हाँ, लेकिन लाइफ लेना पॉसिबल है। ठीक है, तो इसी के लेकर के है कि तरह तरह के यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है कि किस कौन कौन सा केस आया था। ठीक है, 2019 में जो केस आया था इरफान वर्सेस एस्टेट ऑफ मनोज, ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारे केस का यहाँ पे एग्जांपल्स दिया गया है। और देखिए यहाँ पे बताया गया कि जो कानून है, ठीक है, जो कानून के बारे में बताया कि देखिए क्या है ना कि तो इसी को लेकर के है जो पॉलिसीज हैं, जो भी पॉलिसी बनाई जाती है तो उसमें क्या है ना कि विसंगति नहीं होना चाहिए, पॉलिसी सभी के लिए एक समान होना चाहिए और सभी चीज़ को कंसीडर करना चाहिए। ठीक है, तो यही सब चीज़ को लेकर के ये एडिटोरियल उसमें बताया गया है कि किस तरह से आगे लेकर के ये सब चीज़ को फोकस करना चाहिए। और भी देखिए यहाँ पर बताया गया है कि सेंटेंसिंग इन कम्युनिटी, ठीक है, तो ये सारे चीज़ यहाँ पे मेंशंस हैं, आप लोग अच्छे से एक बार इसे पढ़ सकते हैं। लेकिन उतना कोई इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन परस्पेक्टिव से नहीं लगा, ठीक है, तो इसीलिए थोड़ा सा आपको इन्फॉर्मेशन इसके बारे में दे दिए। चलिए देखते हैं आप कौन सा इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स हैं। हाँ, चलिए यहाँ पे ये एडिटोरियल्स जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एग्जामिनेशन परस्पेक्टिव से। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो है अभी रिसेंटली, ठीक है, क्या है ना कि कॉरपोरेशन 27 होने वाला है, ठीक है, तो ये कहाँ पे होगा, ये मिस्र में होगा, ठीक है, मिस्र में होने वाला है। ठीक है, तो इसी को लेकर के है कि जो हमें, ठीक है, मूव द नीडल क्लाइमेट एक्शंस, ठीक है, क्लाइमेट एक्शन से रिलेटेड, ठीक है, जो भी एक्शंस हैं, ठीक है, वो इस जो कॉरपोरेशन 27 होने वाला है उसमें ये सब सारे इशू को उठाना चाहिए। ठीक है, तो इसमें जो और भी यहाँ पे कह रहा है कि जो डेवलपिंग कंट्री है, ठीक है, और जो डेवलप्ड कंट्री है, ठीक है, ये सभी कंट्री, ठीक है, कहीं ना कहीं क्लाइमेट एक्शंस पे, ठीक है, तो वो क्या करते हैं ना कि इसके द्वारा ही क्लाइमेट को इम्पैक्ट डाला जाता है, क्लाइमेट पे इम्पैक्ट डाला जाता है। कहने का अर्थ ये है कि ये सब कहीं ना कहीं कार्बन का इमिशंस करते हैं, ठीक है, और जो, ठीक है, और इसी के द्वारा कोई भी नियम और लॉ बनाए जाते हैं, कोई भी कानून बनाए जाते हैं, तो उसको सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट क्या होता है ना कि जो जो अनडेवलप्ड कंट्री है, ठीक है, तो उस पर इम्पैक्ट पड़ता है। तो इसी को लेकर क्या है कि जो डेवलप्ड कंट्री है वो क्या है ना कि इस चीज़ को फर्स्ट वन क्रिएट भी करते हैं और फेस करने के लिए भी प्रिपेयर रहते हैं, ठीक है, पहले से उसके पास सारे चीज़ अवेलेबल भी रहते हैं, ठीक है। लेकिन जब अनडेवलप्ड कंट्री की बात करते हैं तो वो कार्बन इमिशन बहुत कम करते हैं, ना के बराबर करते हैं, लेकिन जब फेस करने के बारे आता है तो सबसे ज़्यादा फेस उसी को करना पड़ता है, क्योंकि उसके पास रिसोर्सेज कम रहते हैं, उसके पास सारे चीज़ संसाधन कम रहते हैं। तो इस चीज़ को लेकर के कि यहाँ पे एक राइटर के द्वारा सुझाव दिया जा रहा है कि इस तरह से जो 27 कॉरपोरेशंस हैं इसमें ये सारे इशू उठाना चाहिए, ठीक है। तो इसी को लेकर के ये सारे चीज़ है कि द कोर इशू, ठीक है, क्या क्या है यहाँ पे देखिए सारा चीज़ का डेटा बताया गया, चाहे वो देखिए टॉप फ्यूल्स में जो फॉसिल फ्यूल्स जो सबसे टॉप में है, देखिए चाइना हो गया, यूनाइटेड नेशंस हो गया, यूनाइटेड स्टेट हो गया, इंडिया हो गया, रशिया हो गया, जापान हो गया, ये सब, और उसके बाद जा करके एज वेल एज, ठीक है, साउथ ईस्ट कंट्री जितनी भी हैं, ठीक है, तो ये सभी आ जाते हैं इस कंट्री में, इस चीज़ में, ठीक है। तो वही चीज़ है कि देखिए सब सब कंट्री का, जितने भी कंट्री है सबका अपना अपना प्लान है, ठीक है, कि कौन कब तक, ठीक है, कितना, जैसे 2050 तक, ठीक है, तो टेम्परेचर को 2 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे लाने का पेरिस एग्रीमेंट में ऐसा हुआ था, ठीक है, उसके बाद 27 कॉपरेशन में यदि ऐसा प्रोग्रेस करते हैं, ठीक है, तो ये इशू कहीं ना कहीं जैसे सही होगा, ठीक है। तो ये सारे चीज़ है कि यहाँ पे किस तरह से टेकल करना चाहिए सारे चीज़ को, ठीक है। तो इसी तरह से जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है, ठीक है, कौन सा, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखिए इंडिया की बात करते हैं, तो इंडिया के बारे में बताया गया कि इंडिया के द्वारा टारगेट किया गया कि 2070 तक में, ठीक है, तो जो कार्बन इमिशन है उसको डिग्रेड कर देंगे, ठीक है, नेट जीरो इमिशंस होगा। उसी तरह से चाइना के द्वारा कहा गया कि 2060 तक, ठीक है, उसी तरह
उसी तरह से देखिए यहाँ पे कहा गया है कि 2060 तक किसके द्वारा, तो चाइना के द्वारा, ठीक है। तो ये सारे चीज़ यहाँ पे बताया गया कि 0.1% रहेगा, ठीक है। तो सारे कंट्री यहाँ पे आकर के अपना अपना एक स्टेटमेंट दे रहा है, ठीक है। तो इसी के लिए यहाँ पे कहा गया है कि किस तरह से, ठीक है, एडवांस में जो ये होना चाहिए, सभी कंट्री को एक साथ आकर के इस मामले में वर्क करना चाहिए, ठीक है। तो तरह तरह का जो भी प्रोजेक्ट है उसको एक अच्छे स्केल पे लेकर काम करना चाहिए, ठीक है। तो यही सब चीज़ इसमें बताया गया है कि, और देखिए अभी जो है, ठीक है, मिस्र, ठीक है, इजिप्ट में कब से कब तक, 6 नवंबर से लेकर के 18 नवंबर तक जो कॉरपोरेशन 27 होने वाला है, ठीक है, तो उसमें ये सब चीज़ करने की आवश्यकता है, ठीक है। सभी कंट्री को यहाँ पे स्ट्रांगली, ठीक है, इन्वायरमेंट को, इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में जो नेशनल इंटरेस्ट है उसको लेकर के कार्य करना चाहिए, ठीक है। तो ये था मेन एडिटोरियल्स, ठीक है। तो ये है, अब चलिए देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट न्यूज की जब बात करते हैं तो देखिए ये न्यूज जो है अभी रिसेंटली, ठीक है, जो हिमाचल प्रदेश में, ठीक है, तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, ठीक है, उसके द्वारा क्या किया गया है कि एक हाथीस कम्युनिटी है, ठीक है, तो उनको कहीं ना कहीं एसटी लिस्ट में शामिल किया गया है, मतलब शेड्यूल ट्राइब के लिस्ट में शामिल किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो अन्य, ठीक है, जो भी कम्युनिटी है, ठीक है, वो एसटी में जो भी आते हैं इसके अलावा, ठीक है, हाथीस के अलावा, जैसे कि यहाँ पे गुजर्स हो गया, ठीक है, तो इस सभी के द्वारा क्या किया गया ना कि विरोध जताया गया, ठीक है, कि उनके द्वारा कहा गया कि जो हाथीस कम्युनिटी है, ठीक है, ये कहीं ना कहीं सोशली बैकवर्ड नहीं है, ठीक है, ये कहीं ना कहीं दलित में नहीं आते हैं, ठीक है, क्योंकि इनका जो मतलब मेजोरिटी है ये अभी भी पावर में है, कहने का अर्थ कि इनके पास सारे संपत्ति है, ठीक है, ये सोशली कहने के एक्सप्लॉइट नहीं है, ठीक है। तो इसी को लेकर क्या है कि किस तरह से आगे ये जो है एक तरह से इनके द्वारा बताया गया कि ये सेंट्रल का एक क्या है ना कि अभी जो इलेक्शन होने वाला है उसके लेकर के, तो ये जो है इलेक्शंस का, ठीक है, एक इलेक्शंस को लेकर के क्या है ना कि, तो और भी जो अन्य थी, ठीक है, अन्य यार ये क्या हो जाता है, ठीक है, जो अन्य पॉलिटिकल पार्टी है उसके द्वारा ये सब चीज़ को लेकर के बताया गया कि ये सब चीज़ कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट का, ठीक है, एक पॉलिटिकल एजेंडा है, ठीक है। तो इसी को लेकर के ये न्यूज़ में आया था, ठीक है। अब चलिए चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़, ठीक है। देखिए जब नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं, ये न्यूज़ अभी रिसेंटली, ठीक है, पीएम मोदी के द्वारा अभी क्या क्या है ना कि जो एक सभा को संबोधित किया गया था, तो उनके द्वारा ये बताया गया कि वन नेशन वन पुलिस, ठीक है, इनफॉर्म, ठीक है। तो अभी देखिए क्या है ना कि बहुत सारे चीज़ हैं, ठीक है, वन नेशन, ठीक है, वन राशन कार्ड, ठीक है, तो बहुत सारे स्कीम इस तरह से लॉन्च किया जा रहा है कि जो कि जिससे कि ये फील होता है कि यूनिटी, ठीक है, हमारे देश जो हमारा कंट्री है, ठीक है, इसमें क्या आने कि सभी के बीच, सभी स्टेट हो, सभी पीपल्स हो, सभी के बीच क्या आने कि एक यूनिटी दर्शाने का बात की जा रही है, ठीक है। तो उसी को लेकर के यहाँ पे एक और इस तरह से एक स्कीम, मतलब क्या है ना कि जैसे कि यहाँ पे और भी देखिए यहाँ कह रहा है कि कौन कौन सा अभी रिसेंटली, ठीक है, वन से रिलेटेड है, ठीक है। तो इसमें देखिए वन से रिलेटेड क्या क्या है जब इसका हम बात करते हैं तो इस मामले में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कौन कौन सा है, देखिए यहाँ पे कहीं मेंशन होगा, देखिए यहाँ पे कहता है वन लाइन्स ऑफ द वन नेशंस, वन राशन कार्ड, वन नेशंस, ठीक है, वन मोबिलिटी, वन नेशंस, वन साइन, वन लैंग्वेज, ठीक है, और हमें अब जैसे सोचने की आवश्यकता है वन नेशन वन पुलिस यूनिफॉर्म, ठीक है। तो जितने भी स्टेट पुलिस है, ठीक है, सभी का जो यूनिफॉर्म होना चाहिए, यानी कि उसका जो ड्रेस कोड होना चाहिए, सभी का सेम होना चाहिए। इससे क्या होता है ना कि जो कैपेबिलिटीज है, प्रोडक्शन मतलब सारे चीज़ है, ठीक है, तो इससे क्या होगा ना कि कहीं ना कहीं एक तरह से मिलेगा देखने को कि हमारा देश कहीं ना कहीं यूनिटी में है, ठीक है, उसको एक बल मिलेगा, ठीक है। तो इसी को लेकर के अब एक नया ये चीज़ आइडिया दिया गया है, ठीक है। तो इसी को लेकर के ये न्यूज़ में था। तो जितना भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ था, पर्टिकुलरली आज का इम्पोर्टेंट मतलब ज़्यादा न्यूज़ नहीं था, ठीक है, जो भी था मैंने एग्जाम के प्रस्पेक्टिव से उसका मैंने डिस्कशंस कर दिया, ठीक है। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, ठीक है। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग दिस वीडियो, ठीक है। आपको अगर मेरा काम पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फ्रेंड में शेयर कीजिए, ठीक है। थैंक यू, फिर मिलते हैं आपसे।